रिंकू सिंह तो लग रहा था कुंबले हो गए हैं और सूर्य कुमार लग रहा था कि सेनवार्न हो गए हैं। श्रीलंका को यह हार हजम नहीं हो रही होगी। तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और सुरेश रैना सरीखे खिलाड़ी, लग रहा है कि वनडे में तो विराट कोहली और रोहित शर्मा भी गेंदबाजी करते हैं। कुमार यादव और रिंकू सिंह और रियान पराग ने जिस तरीके से गेंदबाजी की भाई साहब ना, वो आप अगर मैच आप हाईलाइट देख रहे होंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। भारत मैच जीत गया, 139 रन भारतीय टीम बनाती है और जिस तरीके से श्रीलंका खेलना शुरू करती है 104 रन पर एक विकेट और उसके बाद भी मैच हार जाती है। 30 बॉलों पर 30 रन की जरूरत थी और वर्ल्ड कप का फाइनल याद आ गया। हालांकि लास्ट के ओवरों में 6 रनों की जरूरत थी और सूर्य कुमार यादव ने केवल 5 रन दिया और टाई मैच हो गया और सुपर ओवर हुआ, उसमें भारत जीत गया। लेकिन जो 19वां ओवर था और 20वां ओवर, 12 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता थी और बॉलिंग किसने किया? रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने। रिंकू सिंह तो लग रहा था कुंबले हो गए हैं और सूर्य कुमार लग रहा था कि सेनवार्न हो गए हैं, ऐसी गेंदबाजी हो रही थी। वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ये जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की ना भाई साहब, इतनी शानदार गेंदबाजी हुई कि क्या ही कहा जाए। श्रीलंका को यह हार हजम नहीं हो रही होगी। और जिस तरीके से गौतम गंभीर कोच जब नहीं थे, उन्होंने ये उनका बयान आता रहता था कि भारतीय जो बल्लेबाज है वो गेंदबाजी नहीं करते हैं और वो दौर लौटना शुरू हो गया है जहां पर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और सुरेश रैना सरीखे खिलाड़ी जो गेंदबाजी करते थे और अब लग रहा है कि वनडे में तो विराट कोहली और रोहित शर्मा भी गेंदबाजी करते हुए नजर दिख सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा आईपीएल में हैट्रिक ले चुके हैं, वो भी दो दो बार। तो गंभीर का जो ये तरीका है कोचिंग का कि भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी की भी प्रैक्टिस करेंगे और गेंदबाज बल्लेबाजी की भी प्रैक्टिस करेंगे, ये वो जो एक नमूना उन्होंने कल पेश किया रात को, कारगर सिद्ध हुआ और भारत एक हारता हुआ मैच, मतलब 30 बालों पर 30 रनों की जरूरत थी, वर्ल्ड कप याद आ गया फाइनल, 30 बालों पर 30 रन। और भारत कुछ हाल फिलहाल में ऐसी जीत जीता है ना जहां असंभव जीत हो, पाकिस्तान के खिलाफ आप देख लीजिए 119 रन, वर्ल्ड कप का फाइनल देख लीजिए और कल श्रीलंका से। और भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी क्या बोले, भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, काबिले तारीफ। मजा आ गया मैच देख के। और आपने अगर मैच मिस कर दिया है तो आप अगर रिंकू सिंह की बॉलिंग देख रहे होंगे और एक ओवर में दो विकेट, सूर्य कुमार एक ओवर में दो विकेट, दोनों ने 4 विकेट ले लिए दो ओवरों में, तो जब आप देख रहे होंगे हाईलाइट तो आपको विश्वास नहीं हो रहा कि रिंकू सिंह है ये या कोई डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट गेंदबाज है। बहरहाल जो भी हुआ मजा आ गया। आपकी भारतीय जो बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी ना करके गेंदबाजी की, उस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।